अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से थिन डोरी बनाना सिखाऊंगी। चलिए डोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। डोरी बनाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, आप किसी भी स्टफ में कपड़ा ले सकते हैं। ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। डोरी बनाने के लिए हमें तिरछा कपड़ा चाहिए, उसके लिए इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। साइड से यहाँ से कपड़ा बराबर आना चाहिए। इसके बाद इसे प्रेस कर लेंगे ताकि इधर तय बन जाए। अब उसके ऊपर 1.25 इंच तक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने निशान लगा लिए। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद दोनों साइडों से इसके कोने भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगानी है, उसके लिए निशान लगा लेंगे। निशान इसलिए लगानी है ताकि जो लोग नई नई सिलाई सीखते हैं उनकी सिलाई सीधी नहीं होती, तो उसके ऊपर अगर आप निशान लगा लेंगे फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो सीधी सिलाई लगाना बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए मेजरिंग टेप के ऊपर जो जो आपको फर्स्ट लाइन नजर आ रही है ना, इस लाइन तक आपने यहाँ पे निशान लगानी है। फिर इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है लाइन के ऊपर ऊपर। अब सुई में धागा डालकर एंड से गिरा लगा लेंगे। गिरा ज्यादा मोटी नहीं लगानी, आप इसके साथ का धागा भी ले सकते हैं, मैंने ऑपोजिट कलर में धागा लिया है। आप सिलाई से अंदर की तरफ सुई को एंटर करेंगे, एक दफा फिर से एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से गिरा लगा लेंगे। इसके बाद सुई की धागे वाली साइड को डोरी के अंदर एंटर करेंगे। यहां से सुई को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। सिलाई मशीन के ऊपर ये जो किल लगा हुआ होता है उस किल के ऊपर डालेंगे और थोड़े से धागे को इसके इर्द गिर्द घुमा लेंगे। इसके बाद यहां से तकरीबन 1 इंच के जितना तिरछा कपड़ा काट लेंगे इस तरह से। अब इसको हल्का सा यहाँ से खींचेंगे। तिरछा कपड़ा इसलिए कट किया है क्योंकि स्टार्ट से ये बारीक हो जाएगा और आसानी से पलट जाएगा। इसी तरह से आगे भी खींचते जाएंगे। यहां से आपको डोरी नजर आ रही होगी, आप डोरी से पकड़कर इसको खींचेंगे। शुरू से 1 इंच तक तिरछा कपड़ा कट करने की वजह से यहाँ से डोरी बारीक बनी है, इसको कट कर लेंगे। ये देखिए डोरी बिल्कुल तैयार है, अब आप इसको ड्रेस डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के रिलेटेड फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।